हाय हेलो सत श्रीकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बजे हैं, इनफैक्ट मैं 5:30 उठ गई क्योंकि कल मैं जल्दी सो गई। लिटरली 12:30 बजे मेरा बच्चा भी सो गया था और मिजो भी सो गई थी। एनिवर्सरी एक्चुअली यूवी सिंह भी बहुत ट्रैवल करके आए, 15 घंटे जयपुर से, और मैं भी जलंधर आई तो एज सच कुछ प्रिपेयर नहीं किया था क्योंकि मेरे दिमाग में जो आज प्लान है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और हाँ, मैं भी बच्चों को दोष देते रहते, बच्चे नहीं सोते, हमारी नींद नहीं होती, हमें खुद भी नींद नहीं आती, आदत पड़ गई होती। वही हो रहा है मेरे साथ, मिजू बाहर सोई है। कमेंट सेक्शन में जितनी मम्मी है ना, बताओ बच्चे सो भी जाते हैं, ये फ़ोन, ये रील, ये इंस्टाग्राम, यही नहीं सोने देते हमें। बात तो सच है कि नहीं? ठीक है, मार मार के हाल देखो है। रिदान पाजी छोड़े, हाँ जी। ये टाइम नानी ना खेलन दा हुंदा ना, नानी ना, नानी आज घर पे है। हाँ जी। आप हमारी बेडशीट देख रहे हो, कल पिंक थी फिर ग्रे हो गई। मेरे पतिदेव गंदे पैर लेके ऊपर ही चढ़ गए थे, सो फिर हमने जाते ही चेंज करवाई। हाँ जी, खेल रही हैं दीदी। हाँ जी। जाने यहाँ मशीन चो कपड़े कर लिया, फिर तू इधर को बैठी, मैं वॉशरूम आऊंगी। पापा ने मिस्टर आपको पकड़ा हुआ तो मैंने सोचा मैं फटाफट मेकअप कर लेती हूँ जल्दी से। मैं क्या एनिवर्सरी वाले दिन फिर भी फेर रहा तो हूं करके इंडिकेशन भी दे रहा तो बोल ही लिया। रेडी? हाँ जी। रेडी हो? ऐ देखो नहाते नहीं। चलो जी, ओ तुसी नहाते हो, आ जाओ फिर व्लॉग च। तुसी आओ चाची जी, बच्चे सारे सो गए हैं। की होया पिया? रिदान चलो अंदर, मत्था उतर के ब्लॉग चल रहा साथ साथ। थैंक यू, फोन नीचे गिरा था। ऐसे नहीं करते। जय करो, जय करो।
कोई नहीं आ जाओ अभी मुझे दे दी प्रसाद में ठीक है भाई ओहो बाबू ने अच्छा सॉरी मैंने गुरुवार तेरी आवाज़ आ रही थी दिन बन रही है यहाँ पे जब लंगर लगेंगे उसके लिए वाह Hey guys, you stay here. We are going. इधर रहा है का? ਅਕਾ ਮੇਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਬਾਲਣ ਬੁਲਣ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਅਬ ਹਮ ਜਾਏਂਗੇ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਭਾਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ पेन होना चाहिए था एक इधर लिख के वो करते हैं ना शायद से मैंने देखा था अच्छा मुझे नहीं मैंने गलत सुना था फिर हाँ जी मैं खींच देता हूँ हैं तू ना आगे भी है कैंट हो गया इन्होंने बीच शर्रा पहनती है चित्रा दे कच्चे हो जाते हैं दोनों दोनों भरा खून बुढ़ापा आ गया ना यही आ गया ड्राइवर ना जय बाबा हाँ जी कह दियो सी आ गए हैं मुराद शाह जी चलो पापा साथ आगे चलो आया मोटे आ जा रहे किन्नी सोहनिया बाह चक्या ने मासी वीडियो बना सकते हैं हाँ मुझे आपकी पुई को भी आप ये एंगल कहाँ पे लेके जाना चाहते हो ना तुम्हें नहीं आ रहा लेना मेरे को ले लो ले लिया चल आगे चल आगे चल बैठो चाची की साइड बैठना जी देख अभी ब्लॉग की बनाती हूँ मैं हाँ जी कैसा लग रहा है सुकून मीजू हाय छोटे छोटे मंकी हाय पारे पारे मंकी जय साईं जी चलो जी बाबा मुराद शाह जी के भी दर्शन हो गए जय बाबा मुराद शाह जी मैं अरमान लगे मुझे भी अरमान लगे मुझे भी इधर राजा जलंधर मेला लगा हुआ है छोटे होंगे कितनी एक्साइटमेंट होती ना दुकान देख के चलो कुछ तो लेके दे दो मम्मी बस कुछ ले दो जलंधर का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट मेला अच्छा श्री गुरु रविदास महाराज जी के जन्मदिन दिया
अच्छा और देखो सारे ने लख लख बनाई हुई दी हुई मिजराब जी का भी ये तो बंद हो जाना रोड कल पर 24 ਨੂੰ ਆ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੋਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਨੀ ਰਿੱਧੂ ਕੀ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਆਇਆ ਰਿੱਧੂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਰਿੱਧੂ ਬਤਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਗੁਨ ਸਿਸਤੀ ਕਿਰਤ ਯੈਸ ਆਪਣਾ चल खेलते हैं चलो खेलते हैं मिजराब जा रही है अपने दादू को मिलने मिजू अपने दादू के साथ मिजराब मिजू मिजराब मिजराब खुश किन्नी हो रही कल हना दीदी चली जाएगी दीदू आप मिस करोगे हना दीदी को मिस करोगे फिर हना दीदी को है यार तालियां ही मार दो मैं भी गाऊंगा चाची तो बोल रहे थे मेरी शुगर ठीक होगी आप तो बोल नहीं 80 हम दे दिली सही है ना 80 तो ये था हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन एक्चुअली मैंने मन्नत मांगी थी कि जब रिदान होने वाला था तो मैंने कहा था लड़का होगा तो बेल चढ़ाते हैं सो मैंने बापूलाल बादशाह जी ने को उधर में मतलब अपनी इच्छानुसार तब मैंने सोचा था गोल्ड का सो मुझे ऐसा लगा कि जब लड़की हुई है तो वाई नॉट दोनों बराबर है लड़का लड़की तो मैंने लड़की टाइम पे बोलता कि अगर लड़की हुई तो मैं नथ चढ़ाऊँगी तो इस बार मुझे जब लड़की हुई मिजराब तो मेरी बस ये एक मन्नत रह गई थी पेंडिंग सो मैंने वहाँ पे चढ़ाई थी दोनों जगह पे सो ये दिखावा नहीं है कुछ नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं मानती हूँ उन चीज़ों को और जितनी मेरी औकात है जिस हिसाब से आपकी सेविंग होती हैं जो भी है क्योंकि भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते जो कुछ भी है सब कुछ उन्हीं की वजह से है उस हिसाब से और मुझे आदत है कमेंट पढ़ने की लोग उसी से पता चलता है आप क्या फीडबैक दे रहे हो क्या अच्छा है क्या नहीं और एक है मैं हो सकेगा तो स्क्रीन पर बताऊँगी उनका नाम कुछ अमनदीप करके हैं उनकी लैंग्वेज देख के मुझे थोड़ा सा लगा फुकरिए सारियां सर्दियां निकल गई एसी तेरे तेर तो कवर पाया नहीं गया मैं तानू दसना चाहवांगी साढ़े एसी च ना हीटर भी चलता है तो मैं बार बार लाण पाण वाला काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं इन्नी वेली नहीं हैगी मेरे बच्चों ना 100 चीज़ा दिखनिया पैंदियां और मैं कितने झंडा लेके खड़ी नहीं हुई कि मैं सफाई अभियान दी हाँ जिन्ना मेरे तो हो सकता मैं कर दी अगर तुहानू इन्नी तकलीफ है तो प्लीज़ तुसी मेरे घर आ सकते हो मैनू बहुत लोड़ हैगी हेल्पर दी प्लीज़ आ जाओ तुसी और ना मैं तुहानू चाहूँगी कि तुसी तमीज़ दी क्लासा मेरे तो छड़ो मेरे मुंडे तो लै लियो वो तुहाडे तो ज़्यादा तमीज़ ना गल करदा है उहनू ज़्यादा अकल है गल किदां करी दी हुंदी है सो होर भी मैं कमेंट सैक्शन च देखदी हाँ कुछ कुछ लोग आते हैं सो मैं यही कहूँगी नैगेटिविटी फैला के कोई फ़ायदा नहीं मैं तो ज़्यादा ज़्यादा डिलीट कर देनी हाँ ब्लॉक मार देनी हाँ क्योंकि मैनू तो लगता जो इंसान खुद अंदरों बीमार होंदा ना होर कोई काम ना होए खुश करना तो बहुत दूर की गल है इदा के साइड पर आ गए मतलब चैनल बना लेंगे जिते कुछ नहीं करते कुछ नहीं वीडियो पाते कोई पोस्ट नहीं होंगी कुछ नहीं होंगे लेकिन आके उन्होंने नैगेटिविटी फैलानी होंगी है सो मैं लगता छोटी जी लाइफ है खुश नहीं कर सकते एटलीस्ट अपने आप में तो खुश रख लो किसी छोड़ो पर एटलीस्ट खुद तो खुश रहो
ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਟੀਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ. ਸੋ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਧਾਨ ਕੋਲ ਆਇਆ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ. ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਇਕ ਹੋ. ਅਮਨਦੀਪ, ਅਮਰਦੀਪ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਊਂਗੀ. ਉਹ ਮੈਂ ਐਡਿਟ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ. ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀ, ਇੰਨੀ ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਿਆ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ. ਬਟ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਬਖਸ਼ਣ. ਅਕਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਅਕਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ. ਬਟ ਸਕੂਨ ਦੇਣ, ਸਕੂਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ. ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਗਾਈਜ਼.